जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यू की स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप सभी लोगों को इस वैकेंसी के बारे में सारी नॉलेज पहले से ही होगा, मुझे कुछ बताने की एक्स्ट्रा जरूरत में नहीं है। जैसा कि आप सभी लोगों का फिजिकल क्लियर कर चुके हैं आप सभी लोग, तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बचा हुआ है तो सिर्फ बचा हुआ है एग्ज़ाम, ठीक है। तो एग्ज़ाम को लेकर बहुत दिनों से मैं अपडेट ला रहा हूँ, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जो फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, अनुमानित डेट क्या रखा गया अभी तक, किस वजह से जो है भर्ती डिले हो रही है, सारी चीज़ों की अपडेट मैं हमेशा से ही लाता रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसी प्रकार एक अपडेट हमारे पास और आया हुआ है कि बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं वीडियो के आप लोग कमेंट बॉक्स में है कि एडमिट कार्ड आ गया है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो वहां पर बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं और बच्चे उनसे पूछने लगते हैं कि एडमिट कार्ड अभी तक हमारा नहीं आया हुआ है। तो हमारे पास भी बहुत सारे वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि सर बच्चों का एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुका है, और उन्होंने उसमें से कमेंट में से स्क्रीन शॉट लेकर भी हमारे पास सेंड किया हुआ है, हमारे टेलीग्राम पर है, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है कि सर एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास एडमिट कार्ड आ गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है, ठीक है। ऐसी अफवाहों में आप लोग बिल्कुल भी ना पड़े। बहुत सारे YouTube चैनल वाले भी आप लोगों को बताएंगे कि एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो चुका है, मैंने RTR फाइल किया हुआ था, मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है। और कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास एडमिट कार्ड आ गया, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपके पास सेंड कर देता हूँ। तो इस प्रकार के बहुत सारे आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे है। तो आप सभी लोगों को कहीं पर भी भरोसा नहीं करना है। आप लोगों को अगर कहीं डाउट लगता है तो आप लोग सीधे जो है CRPF के हेल्प सेंटर पर आप लोग कॉल करके जो है वहां से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कब तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर मैं आप लोगों को इसके अनुमानित डेट की अगर बात करूं, ठीक है, फिलहाल अभी कोई डेट क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का जो है लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम कराए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी विभाग की तरफ से कोई भी जो है वहाँ पर से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि कब तक आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यदि आप लोग CRPF के हेल्प सेंटर पर कॉल करते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को यही रिप्लाई आएगा कि दिसंबर मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इस प्रकार की अफवाहों में न आए कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है। फिलहाल जब आप लोगों को विभाग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, नए CRPF के हेल्प सेंटर से कोई बात कही गई है कि आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड इस दिन आएंगे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी धैर्य रखें, अपने जो है प्रिपरेशन को आगे बनाए रखिए, जितने आप लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा टफ रहने वाला है इस बार, क्योंकि फिजिकल में तो सभी बच्चे लगभग पास हो गए थे जो कि अपना 1600 मीटर का रेस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, कोई अपडेट आएगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा, अदरवाइज आप लोग जो है CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहना है, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।